तो नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भोपाल में अमर शहीद जो हुए हैं, हमारे सैनिक जिन्होंने बलिदान दिया है भारत माता के लिए, मातृभूमि के लिए, उनकी शौर्य गाथा को याद करने के लिए एक शौर्य स्मारक बनाया गया है, जिसका लोकार्पण अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो हम आ गए हैं शौर्य स्मारक देखने। में आपको दिखाता हूँ शौर्य स्तंभ और कुछ और प्रदर्शनी वगैरह हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए चलते हैं। शौर्य स्मारक द वार मेमोरियल, जो भोपाल शहर के केंद्र में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है, भारत के अमर शहीदों की युद्ध तथा शौर्य गाथाओं की आम जनता को अनुभूति कराने हेतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को देश को समर्पित किया गया। पर्यटन की दृष्टि से अब यह भोपाल का ही नहीं बल्कि भारत का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। यहाँ प्रवेश करने के लिए एक टिकट लेनी होगी, 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क है। मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों की चित्र प्रदर्शनी, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, राणा बख्तावर सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, टंटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, गुंडाधूर, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई। और आगे बढ़ते हैं, ठाकुर रणमत सिंह, सादत खान, रानी अवंतीबाई, सुरेंद्र साय, झलकारी देवी, भीमा बाई, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भाई अब्दुल गनी, टुरिया शहीद मुड्डे बाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीर उदयचंद एवं मंसू ओझा। अब मैं आपको बताता हूँ शौर्य स्मारक के क्या क्या आकर्षण और क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ एक शौर्य स्मारक स्तंभ है, श्वेत गुलाबों के बगीचों से घिरा हुआ शौर्य स्मारक स्तंभ ग्रेनाइट पत्थर से बना 62 फुट ऊंचा स्तंभ है। शौर्य स्तंभ के आसपास एक सफ़ेद गुलाबों का बहुत खूबसूरत बगीचा है। शौर्य स्तंभ की नींव के पास जलने वाली अत्याधुनिक होलोग्राफिक अनंत ज्योति सैनिकों के बलिदान की याद दिलाती है। ये है वीर जवानों की शौर्य गाथा की याद दिलाता हुआ स्तंभ, शौर्य स्मारक। ये देखिए राइफल और टोपी, हमारे सैनिकों की आन बान शान के निशान। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इन पर कुछ पर्चे चिपके हुए, इस पर लिखे हुए उन सभी सैनिकों के, सिपाहियों के नाम जिन्होंने अलग अलग समय पर देश के लिए बलिदान दिया। सैनिकों के असली जूते भी यहाँ आपको देखने को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक खुला रंगमंच ओपन आर्ट थिएटर भी बना हुआ है, जिसमें सेना के प्रशिक्षण और जीवन को चलचित्र के रूप में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए चलचित्र की व्यवस्था की गई है। अब हम पहुंच चुके हैं संग्रहालय में। इस संग्रहालय में
फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, किंतु यदि आपको फोटो खींचना है तो 50 रुपये का एक टोकन लेना होगा। भूमिगत इस संग्रहालय में तीनों सेनाओं की यादों को चित्रों में संजोए हुए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और भी अन्य शौर्य पुरस्कारों को देखा जा सकता है। साथ ही भारतीय सेना के तीनों सशस्त्र बलों के विभिन्न हवाई जहाज, टैंक्स तथा पानी के जहाज़ों के लघु मॉडल्स यहाँ आकर्षण का केंद्र हैं। संग्रहालय के ही एक हिस्से में एक छोटे कक्ष में कृत्रिम रूप से बनाए गए सियाचिन के वातावरण को भी देखा जा सकता है। शौर्य स्मारक की विशेषताएं, यहाँ का संग्रहालय, यहाँ की सभी जानकारियाँ पर्यटकों को देशभक्ति की प्रेरणा देती है। शौर्य स्मारक में भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए जीवन, मृत्यु और आत्मा की अनंतता के संदेशों को भी बताया गया है। यहाँ आपको युद्ध क्षेत्र के छोटे छोटे मॉडल्स भी देखने को मिलेंगे। शौर्य स्मारक में प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से युद्ध में अपने प्राण गंवाने वाले वीर सैनिकों की कहानी को बयां किया गया है। आज़ादी के बाद लड़े गए युद्धों को भी यहां दर्शाया गया है। यदि आप इस शौर्य स्मारक को घूमने जाना चाहते हैं तो बुधवार के अलावा किसी भी दिन दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक आप यहां आकर शौर्य स्मारक को देख सकते हैं। शौर्य स्मारक बनने की परिकल्पना 10 जुलाई 2008 को दिल्ली में कर्नल मुसरान की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में की गई। कार्यक्रम का विषय था भारतीय सेना के प्रति युवा आकर्षित क्यों नहीं होते। तब सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने उलाहना देते हुए कहा था, आम आदमी और युवाओं के बीच सेना का आकर्षण बनाए रखने के लिए अब तक किया ही क्या गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। उन्होंने वहीं ऐलान कर दिया था कि उनकी सरकार भोपाल में एक शौर्य स्मारक बनाएगी। आइए हम सब भी मिलकर हमारे देश के वीर जवानों को, सिपाहियों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उन सभी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, शौर्य स्मारक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।